रिवर्स मैच एरर इन जेंगो। इस वीडियो में हम लोग इस एरर के बारे में बात करने वाले हैं। ये एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वेरिएबल लिया हूँ क्वेश्चन, उसमें मैंने वैल्यू, यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू है उस वेरिएबल में जा रही है। जब मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, लिंक सेंड करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट किया है। यहाँ पे गलती ये है कि जो वेरिएबल यहाँ पे क्वेश्चन है, सेम टू सेम मुझे यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखना है, पर मैं यहाँ पे मिस कॉन्सेप्शन में मैं यहाँ पे जो ये मॉडल का नाम मेरे में वो लिख रहा हूँ। तो मैं वेरिएबल का नाम लेके चेक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ वेरिएबल का नाम लिख दिया अपना क्वेश्चन, स्मॉल में क्यू, पहले कैपिटल में क्यू था तो मॉडल का नाम था, अब स्मॉल में क्यू कर दिया तो वेरिएबल का नाम हो गया। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, पहले हम सर्वर रीलोड जाने दीजिए, सर्वर यहाँ पर रीलोड हो रहा है, रीलोडिंग। उसके बाद चेक करते हैं हम लोग कि क्या हम लोग जो किया है वो सही है, क्या एरर गया कि नहीं। क्या अब यहाँ पर मैं ऐसे चेक करके एंटर करता हूँ और एरर चला गया। जैसे यहाँ पे द स्काई का 4 वोट है, मैं यहाँ वोट अगेन पे क्लिक किया और मैं द स्काई पे दोबारा से मैंने वोट किया तो यहाँ पे 5 वोट आ गया। मतलब हमारी दिक्कत ये थी कि हमने जो वैल्यू रिटर्न कर रहे थे हम, वो हम लोग गलत कर रहे थे। जैसे ही हम लोग जो लिंक दे रहे थे वो गलत दे रहे थे, यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे हम लोग मॉडल का नाम लिख रहे थे, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन की वजह से एरर आ रहा था। होप सो आपको एरर समझ में आया हो। थैंक यू।